तरफ इनकी चंपुओं की और पंपुओं की जो है वो एक गैंग है। कोई इटालियन और फ्रेंच नहीं, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी जैसी हमारी एक आदिवासी बहन बेटियां और माताएं खड़ी होंगी। आज कोई इटालियन और फ्रेंच नहीं, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी जैसी हमारी एक आदिवासी बहन, एक आदिवासी माता जब इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पदवी पर बैठती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, तो सब माताओं का, सब बहनाओं का जो है वो गौरव बढ़ता है, उनका मान बढ़ता है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनको गुणों का अगर हम बखान करने लगे तो सुबह हो जाए, निश्चय ही उनका इतना पवित्र चरित्र है, उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं है। और एक तरफ इंडी घोटाला है, आज ममता जी ने भी कह दिया है कि मैं इस घोटाले में और ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकती। ऐसे जा जाने कितने घोटाले, 2G स्कैम, 3G स्कैम, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, 2.5 लाख करोड़ का घोटाला, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, कितने घोटाले मिलके जो है ये इंडी गठबंधन की जो है वो सरकार बनी है। तो भाई हम क्यों ना हो मोदी जी के फैन, एक तरफ तो एक ऐसे है जिन्होंने जो है भारत का उद्धार किया है, हमारी जब इतनी बड़ी महामारी जब आई पूरे विश्व पे, इतना बड़ा संकट आया, 80 करोड़ जैसे हम जैसे गरीब लोगों को उन्होंने मुफ्त का अनाज दिया और अब तक वो दे रहे हैं। आयुष्मान में हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, एक वक्त था जब रोग और ये सब होता था तो जमीन बेचते थे, गहने बेचते थे, और मजदूर भाई मजदूर बहनें अक्सर सोचती थी हमें कोई पेंशन नहीं, और पेंशन का पैसा किस लिए चाहिए होता है, इलाज के लिए चाहिए होता है, बुढ़ापे में बुरे वक्त के लिए चाहिए होता है। वो हमारी दिक्कत भी थी जो है वो मोदी जी ने जो है ख़त्म कर दी आयुष्मान योजना से। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा, अब तक उसके लाभार्थी 50 करोड़ अकाउंट के थ्रू जो है उनके लाभार्थी हैं। 25 करोड़ लोगों को जो है वो गरीबी रेखा से बाहर लेके आए हैं, और एक तरफ इनकी चंपुओं की और पंपुओं की जो है वो एक गैंग है। कोई कहता है मैं चांद पर आलू उगाऊंगा, कोई कहता है सियापति हनुमान चंद्र की जय, इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं ये।